जिसका नाम है बहुपद। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बहुपद में कुल दो क्वेश्चन आते हैं और तीन अंक के आते हैं, टोटल तीन अंक। तो बहुपद के अंदर अपन सबसे पहले देखते हैं अचर राशियां। अचर राशियां, अचर राशि, अचर का मतलब जो कभी भी, जिसका मान कभी नहीं बदले, जैसे 1, 45, 56, 7, 8, कभी इनका मान बदलता है। 1 का मान सदैव 1 रहता है, 45 का मान सदैव 45 रहता है, 7 का मान सदैव 7 रहता है, तो कभी नहीं बदले, ये सारी अचर राशि होती हैं। 100 है, 110 है, ये सारी अचर राशि होती है। चर राशियां, चर राशि होती है जिसका मान समय समय पर हम अपने हिसाब से बदलते रहते हैं, जैसे एक्स वाई जेड, ये चर राशि है। पी क्यू आर भी मान लेते हैं, ए बी सी डी, एल भी मान लेते हैं कई बार, एम कई बार, एन, एक्स का मान कई बार अपन 0 लिख देते हैं, एक्स का मान कई बार अपन 1 रख देते हैं, इनका मान बदलता रहता है। तो ये होती हैं चर राशियां, ये वेरिएबल, ये कॉन्स्टेंट। अचर राशि बच्चों को समझाने के लिए कई बार मैं एग्जांपल देता हूँ, समझाने के लिए मात्र, कि अचर राशि, अचर जो कभी भी चरती नहीं है, अर्थात जिसका मान सदैव एक जैसा रहता है, अचर जो कभी चरे नहीं, चर जो चरती रहे कभी कहीं कभी कहीं, अर्थात एक्स का मान कभी एक्स एक ले लिया, एक्स का मान कई बार 2 ले लिया, कई एक्स का मान कई कई जगह अपन 3 ले लेते हैं, तो ये इनके मान बदलते रहते हैं। तो अचर राशियां सदैव एक, जिनका मान एक जैसा रहता है, कांस्टेंट राशियां होती हैं। चर राशियां जिनका मान बदलता रहे, अर्थात एक्स वाई जेड ए बी सी डी, सारी ये चर राशियां हैं। नेक्स्ट चलते हैं वीज्य व्यंजक। वीज्य व्यंजक क्या होते हैं? अचर व चर राशियों से बने पद को वीज्य व्यंजक कहते हैं, अर्थात इसमें कांस्टेंट राशि भी होती हैं और एक्स वाई जेड ए वेरिएबल्स भी होते हैं, इन दोनों को मिलाकर के जो पद बनते हैं उसे वीज्य व्यंजक कहते हैं। आगे चल के बताएंगे आपको किस तरह के वीज्य व्यंजक होते हैं। अब बात करते हैं बहुपद की। बहुपद वीज्य व्यंजकों के पद आपस में जुड़कर बहुपद बनाते हैं, अर्थात जो वीज्य व्यंजक होते हैं, एक वीज्य व्यंजक या दो वीज्य व्यंजक या तीन वीज्य व्यंजक, आपस में चाहे योग के रूप में जुड़ जाएं या मल्टीप्लाई के रूप में जुड़ जाएं, आपस में जुड़कर नए पद बनाते हैं, उसे बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद। वैसे भी नाम से ये क्लियर है, बहुपद मतलब बहुत सारे पद, ये बहुत सारे पद एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। 2x एक बहुपद है, 4x + 3y ये भी एक बहुपद है, इसमें दो वीज्य व्यंजक जुड़े हैं प्लस के द्वारा, तो ये अचर और चर और अचर राशि हैं, ये भी चर और अचर राशि हैं, तो ये मिलकर के एक बहुपद बन गया। नेक्स्ट चलते हैं रैखिक बहुपद। चर की अधिकतम घात सदैव एक होती है, अगर चर, जैसे चर x है, x की अधिकतम घात एक हो तो उसको तो रैखिक बहुपद कहते हैं, इसमें चर कौन सा है, y, y की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो ये हो गया रैखिक बहुपद, अर्थात एक ऐसा बहुपद जिसमें जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात 1 हो तो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर इसी तरह इसकी अधिकतम घात 1 की जगह 2 आ जाए, जैसे नीचे वाला पद है, इसमें अधिकतम घात कितनी है, ये 2 है, तो इसमें 1 भी है लेकिन अधिकतम घात देखो 2 है, तो ये द्विघात बहुपद बन गया, द्विघात बहुपद। यहाँ देखें 9y² + 3, तो y की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो ये द्विघात बहुपद है। थोड़ा यहाँ क्लियर कर लें एक बार, ये द्विघात बहुपद है, इसकी अधिकतम घात देखनी है, x की अधिकतम घात कितनी है, ये 2, और इसकी 1 भी है लेकिन 1 को अपनों ने नोट नहीं करना है, बड़ी से बड़ी घात देखो, बड़ी से बड़ी घात 2 हो तो उसको द्विघात बहुपद कहते हैं, अगर बड़ी से बड़ी घात 3 हो जाए तो उसको त्रिबहुपद कहेंगे। तो चर की अधिकतम घात सदैव 3 होती है, अर्थात इस ये एक बहुपद है, कितने पदों का बहुपद है, 1, 2, 3, 4, 4 पदों का बहुपद है, इसमें अधिकतम घात कितनी है, ये देखो 3 है, अधिकतम घात 3 है, तो इसलिए इसको त्रिघात बहुपद कहा गया है, हालांकि 2 भी है 1 भी है लेकिन अधिकतम देखनी है अपनों ने, तो ये त्रिघात बहुपद है, ये भी त्रिघात बहुपद है, इसमें y की घात 3 है। बहुपद की घात, ये एक नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
100% आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा, एक नंबर का अंक आएगा इसमें कि आपको पूछेगा कि बहुपद की घात बताओ। तो मान लो पी एक्स एक बहुपद है, पी एक्स का मतलब होता है, पी का मतलब पॉलिनोमियल बहुपद और एक्स के पदों में है, तो एक्स यहाँ पे चर है, तो एक्स की घात देखनी है आपने सबसे बड़ी, तो एक्स की जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात कहलाती है। एक्स की घात तीन है, मान लो इसमें देखो एक्स की घात तीन थी इसके अंदर, तो एक्स की घात तीन थी तो ये बहुपद की घात कितनी होगी, तीन होगी। इसमें देखो एक्स की घात कितनी है अधिकतम दो, तो इसमें बहुपद की घात कितनी होगी, तीन सॉरी दो। इसमें एक्स की घात थी एक, तो बहुपद की घात होगी एक। बहुपद के शून्यंकों की संख्या, अब अपन सिर्फ शून्यंकों की बात करते हैं, शून्यंकों की संख्या, बहुपद के चर के जितने मान होते हैं अर्थात मूल, मूल और माने की बात है, होते हैं उतने ही उसके शून्यंकों की संख्या होती है अर्थात बहुपद की घात होती है। ये तीनों चीजें एक जैसी हैं। मान लो एक द्विघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है, इस द्विघात बहुपद के अंदर अपने कहेंगे इसके द्विघात की, इस बहुपद की घात कितनी है, दो। इसके मान कितने आएंगे एक्स के, दो। इसमें मूल कितने हैं, दो। अगर इसके शून्यंकों की संख्या की बात करें तो शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, दो। तो ये सारी चीजें एक ही चीज है कि बहुपद घात, बहुपद के मान, बहुपद के मूल और बहुपद में शून्यंकों की संख्या एक जैसी होती है, सभी एक ही जैसी होती है। इस बात का ध्यान रख लें कि मान, मूल, बहुपद की घात और शून्यंकों की संख्या एक ही चीज होती है, नाम अलग अलग हैं। पूछ सकता है शून्यंकों की संख्या भी पूछ सकता है कि जी द्विघात में दो होती है, त्रिघात बहुपद में तीन होती है, मान कितने होते हैं त्रिघात बहुपद में, तीन होते हैं, त्रिघात बहुपद में मूल कितने होते हैं, तीन होते हैं, शून्यंकों की संख्या तीन होती है। बहुपद के मूलों का योग व गुणनफल, द्विघात समीकरण मानते हैं, एक ही मानक रूप है द्विघात समीकरण का, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक द्विघात समीकरण है। इसमें ए बी सी चर राशियां हैं, चर राशियां हैं। बात करते हैं अपन बहुपद के मूलों, मूलों का योग गुणनफल। ये द्विघात समीकरण ले लिया, एक द्विघात बहुपद लिया, अपन बात कर रहे थे द्विघात बहुपद की, ए एक्स का स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, जहां ए बी सी क्या है, अचर राशि है, अचर राशि का मतलब एक दो पांच सात कुछ भी हो सकते हैं, ए बी सी एक द्विघात समीकरण है। तो इसमें मूलों मान लिया, इसके मूल या शून्यांक पी और क्या हुआ, दो मूल ले लिए, दो मूल का मतलब इनके शून्यांक मान लिया, तो मूलों का योग, अगर मूलों का योग अपने निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे मूलों का योग, माइनस बी, ये बी माइनस बी बटा ए मूलों का योग, और मूलों का गुणनफल सी बटा में ए, सी जिसके साथ एक्स नहीं होता है, और ए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, बी एक्स का गुणांक, एक्स के साथ में जो गुना में जो अंक होगा वो बी का मान आएगा, और एक्स स्क्वायर के गुणांक में ये ए है, और सी जिसमें साथ एक्स नहीं आता। तो इन दोनों ए बी सी के मान निकाल सकते हैं अपने, तो मूलों का योग भी निकाल सकते हैं और मूलों का गुणनफल भी निकाल सकते हैं। बहुपद, बहुपद पी एक्स, एक्स के पदों में है तीन माइनस एक्स और एक्स माइनस चार, इन दोनों का मल्टीप्लाई है, तो आप देखेंगे दोनों इनको तीन माइनस एक्स को एक्स माइनस चार से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस एक्स का स्क्वेयर, ये एक्स की सबसे बड़ी घात होगी एक्स का स्क्वेयर, एक्स की घात दो, तो सबसे बड़ी घात क्या होगी, दो। तो मैंने अभी बताया था आपको कि बहुपद में एक्स जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात जो होती है वही बहुपद की घात होती है, तो बहुपद की घात क्या होगी, दो, ये सही है इसका। निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है, अब आपने बताना नहीं है, तो एक्स स्क्वेयर ये द्विघात, द्विघात बहुपद है लेकिन आंसर सही नहीं, अपने को तो नहीं बताना है, ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है क्योंकि इसमें भी एक्स की घात दो है लेकिन इसमें एक्स की घात तीन है, तो आंसर सही ये डी आएगा, ये द्विघात बहुपद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे बहुपद
जिनके शून्य अंक केवल -3 और 4 हैं की घात होगी। अब आप देखो कि शून्य अंक एक बहुपद है जिसके दो मान हैं, दो शून्य अंक हैं, इसका मतलब दो मान हैं अर्थात दो मूल हैं, जो जिनके दो मान होते हैं, दो शून्य अंक होते हैं या दो मूल होते हैं, तो उसकी अधिकतम घात भी क्या होगी, दो होगी। तो इसका आंसर बी, दो सही है। वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यंकों का योग योग दे रखा है -5 और गुणनफल दे रखा है 6। वह है बहुपद बनाना है आपने, तो आपको मैंने बताया भी हुआ है पहले x² - यहाँ तो उनका जो योग आता है x प्लस यहाँ उनका गुणनफल आता है, मतलब शून्यंकों का योग तो यहाँ आएगा इस बहुपद में, तो यहाँ पे तो आ जाएगा -5 और लास्ट में क्या आ जाएगा गुणनफल 6। तो माइनस माइनस करके प्लस हो जाएंगे, +5x हो जाएंगे। तो कौन सा बहुपद बन रहा है अपने, x² + 5x + 6। ये बिल्कुल सही है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इसको को आंसर है जो है इसका डी सही है, ये एक गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी यदि बहुपद fx x² - 5x + k शून्यंक अल्फा तथा बीटा हैं, इस प्रकार हो कि α - β = 1, तो k का वैल्यू आपने बताना, k का मान हमें निकालना है। तो अब इस द्विघात समीकरण है, इसमें अपन निकालेंगे α + β मूलों का योग क्या होता है -b/a बराबर माइनस बी, मतलब ये +5 हो जाएगा, माइनस ये +5/1, इसका गुणांक है 1 है यहाँ पे, बराबर 5 आ जाएगा α + β। α - β का मान दे रखा है आपको ये बराबर 1, और α + β आपने निकाल लिया 5, इन दोनों समीकरणों को अपने प्लस करेंगे तो ये कट जाएंगे 2α = 6, α = 6/2 = 3, अल्फा का मान आपने निकाल लिया। इसी तरह बीटा का मान क्या आ जाएगा, इन दोनों का जोड़ 5 है तो बीटा का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ अल्फा का मान रखेंगे 3, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2। अल्फा और बीटा के मान निकाल लिया आपने। अब α * β गुणनफल लेते हैं दोनों मूलों का, क्या होता है c/a होता है। c क्या है, k/1, अर्थात α और β का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = k = 3 × 2 = 6, k का मान कितना आ गया 6, तो इसका डी सही है। इस तरह अपने ये क्वेश्चन हल करेंगे। ये बहुपद के जो क्वेश्चन हैं एग्जांपल हैं, बड़े ध्यान से आप रिवाइज कर लेना। अभी अपन नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। चलो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन अपने लेते हैं। किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करनी है। आपने शून्यंकों की संख्या ज्ञात करनी है। ये ध्यान रखें कि ये जो ग्राफ है x के पदों में, अर्थात बहुपद x के पदों में है px, तो आपने सिर्फ x अक्ष को ही ध्यान रखना, x अक्ष का। अब इसमें ये जो आलेख है ये वह है, ये एक्स अक्ष को कहीं टच नहीं करता, इसलिए इसके शून्यंकों की संख्या 0 होगी। इस ग्राफ में देखें कि जो ये आलेख है ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर टच करता है, मिलता है, केवल एक बिंदु पर मिलता है ये यहाँ, तो इसमें शून्यंकों की संख्या 1 होगी। ये आलेख x अक्ष को 3 बिंदुओं पर टच करता है, 3 बिंदुओं पर मिलता है, 1, 2 और ये 3, तो 3 बिंदुओं मिलता है, इसका मतलब शून्यंकों की संख्या कितनी होगी 3।
इस ग्राफ के अंदर ये आलेख है जो इस एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर मिलता है, तो इसमें शून्यांकों की संख्या दो होगी। ये आलेख एक्स अक्ष को एक दो तीन चार चार बिंदुओं पर मिलता है, तो शून्यांकों की संख्या चार होगी। इस ग्राफ के अंदर ये आलेख एक दो तीन तीन बिंदुओं पर ये एक्स अक्ष को टच करता है, तो शून्यांकों की संख्या तीन होगी। अर्थात यदि बहुपद x के पदों में है तो आपने देखना है कि आलेख x अक्ष को कितने बिंदुओं पर टच करता है, उतने ही उसके शून्यांकों की संख्या होगी। इसी क्वेश्चन में अगर अपन ये कह दें कि पी वाई दे रखा है, पी वाई अर्थात अब y अक्ष देखना है अपन ने, तो ये ग्राफ y को भी एक बिंदु पर ही टच कर रहा है, तो इसमें भी शून्यांकों की संख्या वाई के लिए भी एक होगी। लेकिन ये एग्जाम्पल के लिए समझाया, पूछा है इसमें एक्स अक्ष का ही है, मतलब एक्स के पदों में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक तीन घात वाले बहुपद के शून्यांकों की अधिकतम संख्या क्या होगी? तीन घात, अगर उसकी घात तीन है तो बहुपद की घात भी तीन होगी और शून्यांकों की संख्या भी तीन होगी। सी, मूल भी उसके तीन होंगे, मान भी उसके तीन होंगे। निम्नलिखित में द्विघात बहुपद का उदाहरण है। द्विघात अर्थात जो अचर राशि है x या y या जो भी है t, उसकी अधिकतम घात कितनी होगी? दो होगी। तो द्विघात समीकरण का मतलब जो चर राशि है आपकी उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। तो इसमें अधिकतम घात दो है, इसमें चर राशि है नहीं, इसमें अधिकतम घात तीन है और इसमें जो चर राशि है वो हर के अंदर है। तो सही आंसर क्या है? ए। इस टी है एक चर राशि है, उसकी अधिकतम घात दो। द्विघात समीकरण में अधिकतम घात दो होती है, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। यदि व्यंजक x माइनस तीन बहुपद पी एक्स बराबर एक्स की घात तीन प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस सत्रह एक्स प्लस पाँच का गुणनखंड हो, यदि पी एक्स बराबर पी तीन बराबर जीरो, पी माइनस तीन बराबर तीन, पी माइनस तीन बराबर जीरो, पी माइनस तीन बराबर माइनस तीन, कौन सा सही होगा? इसमें क्या है, एक्स माइनस तीन एक इसका गुणनखंड है, तो हम एक्स माइनस तीन बराबर क्या है, जीरो रख लेंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तीन, प्लस का तीन आ जाएगा। तो हमने क्या है कि इसमें एक्स की जगह तीन रखना है, एक्स का मान कितना है, तीन रखना है, तो एक्स का मान तीन कौन सा है, इसमें है, तो सही आंसर क्या है, ये ए, ये सही है। एक्स का मान माइनस तीन भी नहीं है, इसमें माइनस तीन है, इसमें माइनस, एक्स का मान प्लस का तीन है, ये आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग व गुणनफल माइनस चार और तीन है, माइनस चार और तीन, योग तो माइनस चार है और गुणनफल तीन है। तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, एक्स का स्क्वायर माइनस मूलों का योग और गुणा में एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, ये एक बहुपद बनाने का तरीका होता है, सूत्र भी बोल सकते हैं इसको, इसको याद रखना, एक्स का स्क्वायर फिर यहाँ माइनस आता है, मूलों का योग लिखना है यहाँ पे, फिर एक्स लगाना है प्लस मूलों का गुणनफल। तो हमने क्या लिखा, एक्स का स्क्वायर माइनस, इसको छोड़ दिया एक बार, एक्स प्लस यहाँ गुणनफल लिखेंगे अपने, तो उनका योग कितना है, माइनस चार, तो माइनस चार यहाँ पे लिख दिया योग को, और गुणनफल कितना है, तीन, तीन यहाँ लिख दिया, तो क्या बहुपद क्या बन गया, एक्स की स्क्वायर माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के चार एक्स प्लस के तीन, ये आपका बहुपद बन गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, तो इसको अपने हल करेंगे अपन। बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की क्या कहते हैं, घात कहते हैं। जो उच्चतम घात होती है उसको बहुपद की घात बोलते हैं। बहुपद
की कोई घात नहीं होती, शून्य बहुपद की, जीरो जीरो बहुपद की कोई घात नहीं होती। यदि ग्राफ एक्स अक्ष के दो भिन्न बिंदुओं पर काटता है तो बहुपद के शून्यांक होते हैं। आपको मालूम है अगर एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर काटता है तो बहुपद की घात कितनी होगी, दो, अर्थात बहुपद के शून्यांक दो होंगे। एक घात के बहुपद के अधिकतम कितने शून्यांक हो सकते हैं, एक होगा। ऐसे बहुपद जिनमें चर राशि की उत्तम घात एक हो तो कौन सा बहुपद कहलाता है, अगर उत्तम घात एक है तो वो रैखिक, बताया था आपको, रैखिक बहुपद कहलाता है। अगर एक घात है तो रैखिक बहुपद, दो घात है तो द्विघात बहुपद, तीन घात है तो त्रिघात बहुपद। एक ऐसा बहुपद जिसमें घातों की अधिकतम संख्या तीन हो, अभी बताया मैंने तीन घात हो तो त्रिघात बहुपद कहलाता है, त्रिघात बहुपद। एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या कितनी हो सकती है, तीन, अर्थात अगर त्रिघात बहुपद है तो बहुपद की घात कितनी होगी, तीन होगी। शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, तीन होगी। उसके मूल कितने होंगे, तीन होंगे। उसके मान कितने होंगे, तीन होंगे। एक से अधिक पदों के बीजगणितीय व्यंजक को कहते हैं बहुपद। एक से अधिक पदों के बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। यदि एफ एक्स चार एक्स का स्क्वायर माइनस दो एक्स स्क्वायर प्लस पाँच एक्स प्लस एक में बहुपद की घात, देखो एक्स है जो इसमें चर राशि, उसकी अधिकतम घात देखो कितनी है, तीन है, तो बहुपद की घात कितनी होगी, तीन। बहुपद की घात उतनी होगी जितनी एक्स की अधिकतम घात है, उतने ही उसके शून्यांक होंगे, शून्यांकों की संख्या होगी, उतने मूल उसके कितने होंगे, तीन होंगे। उसके मान पूछ ले तो भी तीन होंगे। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, ये तो अलग चैप्टर के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं अपन, टेंथ। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस छः एक्स प्लस सात, एक द्विघात बहुपद है, में शून्यांकों का योग और गुणफल ज्ञात कीजिए। योग और गुणफल निकालना है आपको। आपको बताया हुआ है कि शून्यांकों का योग या मूलों का योग क्या होता है, माइनस बी बटा ए। बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, और ए क्या होता है, एक्स स्क्वेयर का गुणांक, इसका गुणांक। तो क्या होगा, माइनस तो आ जाएगा ये फॉर्मूले वाला, बी, बी का मान कितना है, माइनस छः, तो माइनस छः बटे ए, ए एक्स स्क्वेयर का गुणांक कितना है, एक, तो एक, तो इसका मान, एक सेकेंड, यहाँ एक आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, प्लस के छः आंसर आ जाएगा। ऊपर करते हैं इसको थोड़ा सा। तो मूलों का योग क्या हो गया, छः, छः निकाल लिया अपनों ने। मूलों का गुणफल अल्फा गुना बीटा, ये गुणफल ये होता है सी बटा में ए। सी क्या होता है, जिसके साथ एक्स नहीं होता, मतलब सात हैं, और ए एक्स स्क्वेयर का गुणांक एक होगा, तो इसका मान क्या आ गया, सात, ये एक है तो आ गया सात। योग तो आ गया छः और गुणफल हो गया इनका सात। इस तरह ये चैप्टर अपने कंप्लीट करते हैं। अब अपन चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी चार अंक की आपके एग्जाम में आएगी, तीन क्वेश्चन आएंगे इसमें। आपको सिर्फ पांच लाइनें बताऊंगा, इस पांच लाइनों के अंदर अगर आपने पांच लाइनें रट ली, अच्छी तरह याद कर ली, तो आपको चार नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ आपने कितनी लाइनें याद करनी है, पांच। अगर पांच लाइनें से याद करने से चार नंबर मिलते हैं तो इस पांच लाइनों को खा जाओ, रट लो इसको अच्छी तरह, चलते फिरते भी आप याद कर सकते हो पांच लाइनें। तो शुरू करते हैं अपन। प्रायिकता का अर्थ है किसी घटना के घटित होने की कितनी संभावना है, उम्मीद है। जैसे मैंने बहुत बार एग्जांपल देता हूँ मैं, कि जैसे मौसम बहुत ख़राब है तो अपन कह देते हैं आज 100% क्या आएगी, बरसात आएगी आएगी। ये अपने एक प्रायिकता बताते हैं, अपनी संभावनाएं बताते हैं। अंधेरा छाया हुआ है और बादल गरज रहे हैं,
तो 100% बरसात आने के चांसेस होते हैं। तो एक तरह की अपनों ने प्रायिकता ही बताई है। तो अपने आगे बात करते हैं प्रायिकता। प्रायिकता का फार्मूला अच्छी तरह याद कर लेना, एक ही फार्मूला है और इस फार्मूले से ही सारे क्वेश्चन होते हैं। क्या है ये प्रायिकता? बराबर अनुकूल घटनाएं डिवाइड बाय कुल घटनाएं। ऊपर आएगी अनुकूल घटनाएं, कोई घटना घटित हो रही है उसकी अनुकूल घटनाएं और उस घटना की कुल संभावित घटनाएं से हमने डिवाइड करना है। ये फॉर्मूला अच्छी तरह याद कर लेना, ऊपर अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। उदाहरण लेते हैं, एक सिक्का, एक सिक्के की फेंक में चित्त आने की प्रायिकता। अगर हम एक सिक्का फेंकते हैं तो उसकी कितनी संभावनाएं हैं? देखो कुल कितनी घटनाएं हो सकती हैं, हेड भी आ सकता है एक और टेल भी आ सकता है एक, मतलब कुल घटनाएं कितनी होगी? दो। अब चित्त आने की प्रायिकता वो पूछिए, तो चित्त एक ही तरीके से आ सकता है, तो अनुकूल घटना क्या हो गई उसकी? एक, और कुल घटनाएं दो। इसी तरह एक सिक्के की फेंक पर पट आने की प्रायिकता बिल्कुल सेम रहेगी, पट एक ही तरीके से आ सकता है, इसका मतलब अनुकूल घटना क्या हो गई? एक, और कुल घटनाएं आपको पता ही, एक सिक्के की फेंक में हमेशा ही कुल घटनाएं दो ही होती हैं, तो एक बटा दो। चित्त आने की प्रायिकता भी एक बटा दो और पट आने की प्रायिकता भी एक बटा दो। अगर अब हम पासे की बात करते हैं, पासा मतलब डाइस जिससे अपने सांप सीढ़ी या लूडो खेलते हैं, एक पासे की फेंक में ऊपर छः अंक आने की प्रायिकता। हमने फेंका और ऊपर दो अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? देखो एक पासे की फेंक में कुल घटनाएं कितनी होती हैं? छः, मतलब एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है, छः भी आ सकता है, मतलब कुल घटनाएं तो होगी छः। और अनुकूल घटनाएं का मतलब दो को लाना अपने, और दो सिर्फ एक तरीके से आ सकता है, तो एक बटा छः इसकी प्रायिकता होगी। अब आप देखें कि एक पासे की फेंक में ऊपर तीन अंक आने की प्रायिकता भी एक बटा छः होगी। अगर मैं पूछ लूँ ऊपर एक अंक आने की प्रायिकता तो भी एक बटा छः होगी, ऊपर दो अंक आने की प्रायिकता एक बटा छः, ऊपर चार अंक आने की प्रायिकता एक बटा छः, ऊपर पाँच अंक आने की प्रायिकता एक बटा छः, ऊपर छः अंक आने की प्रायिकता भी एक बटा छः। कई बार बच्चे ये गलत कर देते हैं कि पूछ लेते क्वेश्चन आता है कि ऊपर छः अंक आए की प्रायिकता कितनी होती है, तो छः अंक आने की प्रायिकता छः बटा छः कर देते हैं बच्चे, लेकिन छः एक ही तरीके से आ सकता है, तो छः आने की प्रायिकता भी एक बटा छः हो गई, एक बटा छः, ये ध्यान रख लें। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, संप्रायिक घटनाएं। अभी मैंने बताया संप्रायिक घटनाएं एक प्रयोग में सभी घटनाओं की प्रायिकता यदि समान हो, मतलब अभी मैंने एक पासे का उदाहरण दिया था कि एक पासे की फेंक में एक आने की प्रायिकता एक बटा छः, दो आने की प्रायिकता एक बटा छः, तीन आने की प्रायिकता एक बटा छः, चार आने की प्रायिकता एक बटा छः, पाँच आने की प्रायिकता एक बटा छः और छः आने की प्रायिकता भी एक बटा छः। तो ये सारी घटनाएं क्या हैं? संप्रायिक घटनाएं, मतलब जिनकी प्रायिकता समान हो, इन सभी की प्रायिकता क्या हो रही है? समान है, तो सारी घटना संप्रायिक घटना होती है। तो ऐसी घटना, ऐसा प्रयोग जिसकी सभी घटनाएं घटनाओं की प्रायिकता क्या हो? समान हो। अब सिक्के की फेंक में भी ये संप्रायिक घटना है, दोनों का जो प्रायिकता है सेम रहती है, तो ये भी संप्रायिक घटना है, और पास एक फेंक में भी संप्रायिक घटना। असंभव घटना, असंभव घटना जो कभी घटित न हो, और इसकी प्रायिकता हमेशा ही जीरो होती है, याद रख लेना। असंभव घटना जो कभी घटित ना हो सके, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है इसमें, एक बॉक्स में कुछ काले गेंदे हैं और कुछ सफ़ेद गेंदे हैं, हमने बिना सोचे समझे यादृच्छा रूप से एक लाल गेंद निकाल ली है, और लाल गेंद होने की आपने प्रायिकता पूछी है, तो जब लाल गेंद उसके अंदर है ही नहीं तो उसकी कैसे निकल सकती है, तो इसका मतलब असंभव घटना है, तो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा जीरो होती है। एक एग्जांपल और देता हूँ, हमने एक बॉल को नीचे की तरफ फेंका और उसके ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी? जब हमने फेंका नीचे है उसको, तो ऊपर कैसे आ सकती है? असंभव घटना है, और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा ही जीरो होती है, असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा जीरो होती है, याद रखना। अब अपन बात करते हैं निश्चित या संभव घटना। ऐसी घटना जो निश्चित रूप से घटित हो, अर्थात 100% घटित हो, उसको संभव घटना या निश्चित घटना कहते हैं। इसकी प्रायिकता हमेशा ही एक होती है। एग्जाम्पल, गेंद के ऊपर फेंकने पर उसके नीचे आने की प्रायिकता, जब हमने फेंक गेंद को
धीरे से ऊपर की तरफ फेंका तो उसके नीचे आने की प्रायिकता क्या होगी, उसकी नीचे तो 100% आएगी आएगी, तो उसकी प्रायिकता 1 होगी। तो ये एक संभव घटना है। लेते हैं किसी घटना की प्रायिकता सदैव 0 से अधिक या बराबर और 1 से छोटी या बराबर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना कि प्रायिकता जिसको हम पी ई लिखते हैं, पी ई का मतलब इवेंट, पी मतलब प्रोबेबिलिटी, ई का मतलब इवेंट, पी ई का मान सदैव 0 से तो बड़ा होता है और 0 के बराबर भी हो सकता है, 1 से छोटा होता है और 1 से बराबर भी, 1 के बराबर भी हो सकता है। अर्थात 0 और 1 के बीच में रहता है पी ई का मान, प्रायिकता। याद रख लेना 0 के बराबर हो सकती है प्रायिकता और 0 से बड़ी होती है, और 1 के बराबर हो सकती है और 1 से छोटी होती है प्रायिकता। मतलब 0 और 1 के बीच में इसका मान रहता है हमेशा ही, ये बात ध्यान से नोट कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं, पूर्व घटना। पूर्व घटना मतलब पी ई बार, इसको पढ़ते हैं पी ई बार, ई के ऊपर बार लगाए देते हैं, इसका मतलब पूर्व घटना, किसी घटना के घटित नहीं होने की को पूर्व घटना कहते हैं। अर्थात किसी घटना के अगर कोई घटित नहीं हो रही तो उसको हम पूर्व घटना कहते हैं, इसको पी ई बार से याद करते हैं। तो सब एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे एक पासा फेंका, एक पासे की चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, चित्त आने की प्रायिकता 1/2। अगर मैं इसी में ये भी पूछ सकता हूँ चित्त न आने की प्रायिकता, चित्त न आने की प्रायिकता अर्थात चित्त नहीं आएगा तो पट आएगा, पट आने की प्रायिकता क्या होती है 1/2। तो चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी 1/2, चित्त न आने की प्रायिकता बार लगाएंगे, नैने की प्रायिकता भी 1/2 होगी। तो हम इस तरह भी निकाल सकते हैं ये फॉर्मूले से, किसी भी पूर्व घटना अर्थात घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता निकालें तो उसमें से एक में से घटा देते हैं तो उसका पूर्व घटना आ जाती है, घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता आ जाती है। अगर हमारे पास कोई घटना घटित होने की प्रायिकता पता है उसको एक में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता निकल जाएगी, ये ध्यान रख लेना। मतलब पी ई बार का मान बराबर होता है 1 - PE का। एक लाइन हो रहा है, किसी प्रयोग में सभी घटना, किसी प्रयोग में सभी घटनाओं की प्रायिकता का योग सदैव 1 होता है। ये बहुत ही अच्छी लाइन है, याद कर लेना इसको, किसी प्रयोग में सभी घटनाओं की प्रायिकता का योग सदैव होता है। मान लो एक पासे में चित्त आने की प्रायिकता 1/2 और पट आने की प्रायिकता भी 1/2, इनका दोनों का जोड़ करेंगे तो 1 हो गया। तो जितनी भी घटनाएं होती हैं उनका सभी प्रायिकता का अगर योग करेंगे तो हमेशा ही 1 आता है, याद कर लेना। इसमें कुछ ताश से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ताश के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ताश की गट्टी के अंदर कुल कितने पत्ते होते हैं 52। ताश की गट्टी में कितने पत्ते होते हैं 52। काले रंग के पत्ते कितने होते हैं 26। लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं 26। हुक्म के पत्ते कितने होते हैं 13। ईंट के पत्ते कितने होते हैं 13। पान के पत्ते कितने होते हैं 13। चिड़िया के पत्ते कितने होते हैं 13। कुल फेस कार्ड, फेस कार्ड का मतलब जिसमें फोटो छपी होती है जैसे बादशाह की, बेगम इनकी, ये होते हैं 12। बादशाह के टोटल होते हैं 4 पत्ते, बेगम के 4 पत्ते और गुलाम के 4 पत्ते। इससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन करेंगे अभी, तो इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करते हैं। मान लो एक ताश की गट्टी में से एक पत्ता यादृच्छ रूप से निकाला जाता है बिना सोचे समझे, उसके लाल रंग के होने की प्रायिकता क्या होगी। तो लाल रंग के होने की प्रायिकता देखो कैसे निकालते हैं, पी ई, देखो कुल पत्ते तो 52 है तो कुल घटनाएं होंगी 52, लाल रंग के कितने हैं 26, तो 26/52 ये आंसर आ जाएगा 1/2। आप 26/52 भी कर देते हो तो भी आंसर इसका सही होगा, तो क्योंकि कुल घटनाएं होगी, टोटल पत्ते 52 हैं तो कुल घटनाएं 52 हो गई, और लाल रंग का निकालना है पत्ता आपको तो अनुकूल घटनाएं होगी 26, तो 26/52। इसी तरह अगर मैं ये पूछूं कि काले रंग का पत्ता निकालते हैं 1, तो 1 काले रंग का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी, वैसे ही 1/2 ही आएगा इसका भी, 26/52। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि एक पत्ता यथेच्छा रूप से निकाला जाता है
उसका पान का होने की प्रायिकता बताओ। तो प्रायिकता क्या होगी, नीचे तो 52 हर में, ऊपर पान के पत्ते कितने होते हैं ताश की कटी में 13, तो 13/52 1/4, इसको सरल कर लेंगे 1/4। इसी तरह ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि एक पत्ता निकाला जाता है और बिना सोचे समझे उसका फेस कार्ड होने की प्रायिकता क्या होगी, तो फेस कार्ड 12 है, 12/52 आ जाएगा आंसर। एक पत्ता निकाला जाता है उसका बादशाह होने की प्रायिकता क्या हुई, तो बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी, 4 बादशाह होते हैं 52, तो 4/52 1/13 आ जाएगा। अगर बेगम का पूछ ले कि एक, हाँ एक नया क्वेश्चन बताता हूँ आपको मैं, ताश की गट्टी में से एक पत्ता निकाला जाता है और उसके बेगम का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी, कुल स्थिति कुल घटनाएं 52, बेगम के कितने पत्ते हैं 4, 1/13, 4/52 = 1/13, बेगम का पत्ता होने की प्रायिकता 1/13। लेकिन उसके बाद में दोबारा एक क्वेश्चन पूछता है कि बेगम का पत्ता एक साइड में रख देते हैं, दोबारा एक पत्ता निकाला जाता है उसका गुलाम होने की प्रायिकता क्या कीजिए, तो अब गुलाम कितने होते हैं ताश की गट्टी में 4, तो 4 कुल पत्ते कितने रह गए, अभी अब पत्ते रह गए 51, एक पत्ता तो बेगम को बाहर निकाल दिया, तो अब पी बराबर गुलाम का होने की प्रायिकता 4/51 आएगा, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। अभाज्य संख्याएं, एक पासे में अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, पिछले चैप्टर में मैंने बताया था अभाज्य संख्याओं के बारे में। पासे में 1 से 6 तक अभाज्य संख्याएं 2, 3, 4 और 5 कितनी होती हैं, अभाज्य संख्याएं, एक तो अभाज्य संख्या 2, 3 और 5, अभाज्य संख्या वही होती हैं जो एक और स्वयं की संख्या से डिवाइड हो और किसी से ना हो, तो 3 संख्याएं होती हैं 2, 3 और 5, तो इन तीनों के आने की प्रायिकता आपको पूछी है। तो नीचे हर के अंदर तो 6 ही आएगा, क्योंकि एक पासे की फेंक में कुल घटनाएं हमेशा ही 6 होती हैं, एक पासे की फेंक में कुल घटनाएं हमेशा ही 6 होती हैं, ध्यान रख लेना। अब अंश में 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है, मतलब अनुकूल स्थितियां कितनी होगी 3, तो 3/6, एक पासे की फेंक में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, 3/6 बराबर, इसको हल करेंगे तो 1/2, ये क्वेश्चन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, अपन ऊपर करते हैं इसको थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, ये नहीं पूछा है प्रायिकता, आपको मैंने बताया था प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है, ना तो 1 से बड़ी होती है ना 0 से छोटी होती है, तो प्रायिकता नहीं हो सकती, तो सीधा सीधा हिसाब है कि माइनस की कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकती, 0 से छोटी कभी नहीं हो सकती, तो इसका बी सही है कि ये प्रायिकता नहीं हो सकती। 2/3 भी प्रायिकता हो सकती है, 15% अर्थात 15/100 भी प्रायिकता हो सकती है और 0.7 भी प्रायिकता हो सकती है, ये प्रायिकता नहीं हो सकती, माइनस में कभी प्रायिकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 52 पत्तों की गट्टी में से एक पत्ता खींचा जाए तो उसके राजा या ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता बतानी है आपको, राजा या ईंट, या लिखा हुआ है थोड़ा ध्यान रख लेना, तो राजा एक ताश की गट्टी में राजा के पत्ते कितने होते हैं 4 होते हैं, तो 4 राजा का पत्ता होने की प्रायिकता 4/52 प्लस इसमें जोड़ करना पड़ेगा। अब ईंट के पत्ते कितने होते हैं 13, थोड़ा ध्यान रख लें इस बात का, टोटल ईंट के पत्ते होते हैं 13, लेकिन जब राजा का पत्ता आपने निकाला तो उसमें ईंट का भी, राजा का ईंट का भी होता है, राजा
का हुक्म का भी होता है, राजा का पत्ता चिड़िया का भी होता है और पान का भी होता है। तो एक ईंट का पत्ता अपन ऑलरेडी ले चुके हैं इसमें, तो पीछे कितने पत्ते बच गए ईंट के? 12। इन 12 पत्तों में से एक पत्ता ईंट का होने की प्रायिकता क्या होगी? 12/52 बराबर हो जाएंगे 16/52। इसको हल करेंगे तो 4/13 आ जाएगा। आंसर कौन सही है? 4/13 सी। इसको हल कर लेना, 16/52 को 4/13 आ जाएगा। ए बी सी तीन घटनाएं हैं जिसमें से एक अवश्य होती है। यदि ए के होने की प्रायिकता 3/11 है, बी के होने की प्रायिकता 2/7 है, सी के होने की प्रायिकता होगी। आपको मैंने बताया था कि सभी घटनाओं का योग सदैव एक होता है, तो दोनों घटनाओं को जोड़ लो, 3/11 + 2/7 ये आ जाएगा एलसीएम इसका 77। 7 21 + 7 11 2 22 ये हो जाएंगे 43/43। इन दोनों घटनाओं का योग इतना हो गया। तीसरी घटना निकालनी है आपको, तीसरी घटना इसमें से एक में से घटा दो, इसको माइनस कर दो, तो 77 - 43 एलसीएम ले लेना इसका 77 क्या बच जाएगा? सात में से चार गए 3/77। आंसर कौन सा सही है? 34/77। हमने क्या किया, 3/11 और 2/7 दो घटनाएं हैं उनको जोड़ लिया। तीसरी घटना पूछी है इसने कि तीनों घटनाओं का जोड़ कितना होता है? एक होता है, तो दोनों घटनाओं को जोड़ करके और हमने एक में से घटा दिया, इस एक में से घटा दिया। अब यदि पी ए घटना ए के होने की प्रायिकता को दर्शाता है तो इनमें से कौन सा सही है? आपको मैंने कुछ टाइम पहले ही बताया था कि ये इसका आंसर सही है। पी ए कोई प्रायिकता है किसी घटना की, ये 0 के बराबर भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, और 1 से हमेशा छोटी और बराबर होगी। इसको याद कर लेना, इसका ये एक नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है कि पी ए सदैव छोटी होती है 1 से और बराबर भी हो सकती है, और बड़ी होती है 0 से और उसके बराबर भी हो सकती है। एक पासे को फेंकने पर सम आने की प्रायिकता, ये भी अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। एक पासे को फेंका, सम अंक कितने हो सकते हैं एक पासे में? 2, 4 और 6 तीन होते हैं। एक पासे फेंक में कुल घटनाएं तो 6 होगी। सम आने की प्रायिकता सम अंक कितने होते हैं? 2 हो सकता है 4 हो सकता है 6 हो सकता है कुल 3 अंक होंगे, तो 3/6 = 1/2 ये आंसर सही है इसका। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने, उसका आंसर ये सही था। पासे की फेंक में फेंकने पर एक विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? वो बिल्कुल सेम टू सेम 1, 3, 5 तीन संख्याएं होती हैं, तो 3/6 = 1/2 1/2 ये सही। दो पासों को उछालने पर उनके अंकों का योग 7 या 11 आने की आप प्रायिकता आपको बतानी है। सबसे पहले ये चीज़ नोट कर लें, दो पासे, अभी तक हम बात कर रहे थे एक पासे को हम उछालते हैं तो कुल घटनाएं 6 हम लिखते हैं नीचे। जब हम दो पासों की बात करेंगे तो ये बिल्कुल ध्यान कर लें कि कुल घटनाएं होंगी 6 × 6 = 36 कुल घटनाएं आएंगी 36। एक पासे में 6 आएंगी और दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, उछाले जाते हैं, तो कुल घटनाएं कितनी आएंगी? 36 आएंगी। ये क्वेश्चन
दो पासे एक साथ उछल जाते हैं तो उनके अंकों का योग, सबसे पहले तो उनके अंकों का योग 7 आना चाहिए। तो 7 कैसे आ सकता है कि पहले पासे के अंदर 1 आए और दूसरे पासे के अंदर 6 आए, एक तरीका यह आ सकता है, या पहले पासे के अंदर 6 आए अंक, दूसरे पासे के अंदर 1 आए, ये दो कंडीशंस हो सकती हैं, या पहले पासे में 2 आए दूसरे पासे के अंदर 5 आए, या पहले पासे में 5 आए और दूसरे पासे में 2 आए, दो कंडीशन ये बनती है। या ये भी हो सकता है कि पहले पासे के अंदर अंक 3 आए दूसरे पासे के अंदर 4 आए, या पहले पासे के अंदर 4 आए तो दूसरे पासे के अंदर 3 आए, मतलब इनका योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। इनका योग भी 7 बनता है और इसका योग भी 7 बनता है और इसका योग भी बनता है। कुल कितनी घटनाएं होगी, अनुकूल घटनाएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनुकूल घटनाएं तो होगी 6, तो 6 अनुकूल घटनाएं और कुल घटनाएं कितनी हो गई 36, ये तो होगी 7 के लिए। या आया है या का मतलब हम योग करेंगे। अब बात करते हैं कि उन पासों में जो अंक आए हैं उनका योग कितना हो, 11 हो। 11 कैसे आ सकते हैं कि पहले पासे के अंदर 5 आए और दूसरे पासे में 6 आए, तो टोटल योग 11 हो गया। या ये भी हो सकता है कि पहले पासे में 6 आए दूसरे पासे में 5 आए, तो भी योग 11 बनते हैं। तो दो अनुकूल घटना ही होगी, तो इनका इनकी प्रायिकता क्या होगी, 2/36। तो इन दोनों को मिलाकर के योग 7 आए या 11 आए तो प्रायिकता क्या होगी, 6 अपने ये लेते हैं, 6/36 आई थी पहले 7 आने का, 7 आने की प्रायिकता, और 11 आने की प्रायिकता 2/36, टोटल हो गई है 8/36। 8/36 का मतलब ये आ गया 4 के पार्ट कर देंगे, 4 × 8 और 9 × 36, 2/9 ये आंसर आ जाएगा, 2/9। दोबारा देख ले अपन, दो पासों की फेंक में कुल घटनाएं तो 36 आएंगी, ये याद रख लेना, ठीक है। अब अंकों का योग 7 हो, 7 कैसे हो सकता है, 1/6 हो या 6/1 हो, दो घटनाएं अनुकूल घटनाएं, पहले पासे में 2 आए दूसरे पासे में 5, या पहले में 5 आए दूसरे में 2, दो घटना ये होगी, पहले पासे में 3 आए दूसरे पासे में 4, या पहले में 4 आए तो दूसरे पासे में 3, दो घटना ये होगी, तो टोटल 6 घटनाएं होगी। तो 7 आने की प्रायिकता होगी 6/36। अब टोटल उनका 11 आए, उनका योग 11 आए, तो इसकी उसकी प्रायिकता क्या होगी कि पहले पासे में तो आए टोटल 11। अब 11 आने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं, तो पहले पासे में 5 दूसरे पासे में 6 आए तब 11 बनता है, या पहले पासे में 6 आए दूसरे पासे में 5 आए तो 11 बनता है, तो दो अनुकूल घटना ही होगी, तो 11 आने की प्रायिकता 2/36 होगी, तो दोनों का योग हो जाएगा। या के अंदर हमेशा ही योग करते हैं, तो 6/36 और 2/36, ये 8/36 आ गया, तो 4 के पार्ट से काट दिया, 4 × 8 9 × 36 ये आंसर आ गया आपका, 2/9 आंसर आ गया, ये सी इसका आंसर राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताश के 52 पत्तों में यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है, तो उसके हुक्म के होने का आपको प्रायिकता बतानी है, कि एक पत्ता निकाला जाए और वो भी हुक्म का हो तो इसकी प्रायिकता बतानी है आपको। तो आपको पता ही है कि हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, 13, हुक्म के पत्ते होते हैं 13, और 52 पत्तों की में कुल प्रायिकता कुल घटनाएं कितनी होती है, 52, तो 13/52 13 के पार से कट जाएगा, ये 53/52 1/4 ये आंसर इसका सही है। हुक्म के पत्ते 13 होते हैं, हुक्म के होने की प्रायिकता 1/4 होती है, अगर यहाँ पे लिख दें पान के होने की प्रायिकता भी 1/4 होगी क्योंकि 13 होते हैं पान के पत्ते भी,
अगर चीड़ी के होने की प्रायिकता पूछ ले तो भी एक बट्टा चार है, क्योंकि चीड़ी के पत्ते भी 13 होते हैं, 13/52 बराबर 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ई कोई घटना हो तब पी ई प्लस पी ई बार, मतलब घटना होने की प्रायिकता और घटना न होने की प्रायिकता का जोड़ हमेशा ही एक होता है, ध्यान रख लेना। पी ई प्लस पी ई बार है, ये घटना होने की प्रायिकता है और ये घटना न होने की प्रायिकता है, तो इन दोनों का जोड़ हमेशा ही एक होता है, इसका बी सही है। क्योंकि जैसे मान लो एक सिक्के की फेंक में पट आने की प्रायिकता कितनी है, 1/2, और पट न आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है, तो दोनों का जोड़ योग करेंगे तो एक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या, ये मैंने अभी बताया था कि हम जब दो पास से फेंकते हैं तो उसके कुल परिणाम, संभव परिणाम 36 होते हैं, तो आंसर क्या है, सी 36। एक थैले में 4 लाल और 6 काली गोलियां हैं, एक गोली निकालने पर इसके काले होने की प्रायिकता, काली गोली होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखो लाल 4 है और काली 6, टोटल गोली कितनी होगी 10, मतलब कुल घटनाएं होगी 10, इसमें से 6 काली है, तो काली होने की प्रायिकता आपसे पूछी है, तो 6 गोलियों में से एक गोली निकलेगी, तो अनुकूल घटना कितनी होगी 6, ऊपर 6 आ जाएगा नीचे 10 आ जाएगा, अंश में 6 हर में 10, तो ये हो जाएगी 6/10 मतलब 3/5, ये आंसर आ जाएगा 3/5। इसी के अंदर अगर ये पूछ लेता है कि लाल होने की प्रायिकता बताओ, तो यहाँ 6 की जगह क्या आ जाएगा 4, 4/10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि अंकों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंक हैं में से एक अंक चुना जाए तो उसके सम होने की प्रायिकता बतानी है आपने, सम होने की प्रायिकता, टोटल अंक कितने हैं 9, तो कुल घटनाएं 9 हो गई, नीचे हर के अंदर 9 ही आएगा। अब सम होने की प्रायिकता, सम देखो कितने हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 4 सम संख्याएं हैं, तो 4/9, 4 अनुकूल स्थिति होगी, कुल स्थिति होगी 9, तो 4/9, ये इसका बी सही है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या है, आपको बताया हुआ है कि निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव एक होती है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है, लेकिन निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, मतलब देखते हैं अपने, देखो डी से देखते हैं, ये 0.1, ये 0 से बड़ी है और 1 से छोटी, ये प्रायिकता हो सकती है, और ये 0.9, ये भी 1 से छोटी, ये प्रायिकता हो सकती है, ये भी 0.5, 1 से छोटी, ये प्रायिकता हो सकती है, ये 1.5, ये 1.5 एक से बड़ी है, प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, मैंने बार बार बता रहा हूँ, प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, लेकिन 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ये 1 से बड़ी है, तो आंसर सही ये है, ए, इसका आंसर कौन सा है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। एक थैले में 8 लाल, 2 काला एवं 5 सफेद गेंद हैं, 8 लाल हैं, 2 काली मानो और 5 सफेद गेंद हैं, एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, उस गेंद के काले न होने की प्रायिकता, थोड़ा सा ध्यान से देख लें, काले न होने की प्रायिकता आपसे पूछी गई है। पहले तो कुल कितनी गेंदें, देखो 8 + 2 + 5 कुल गेंदे 15 हैं, तो कुल घटनाएं होंगी 15, हर के अंदर 15 ही आएगा। अब काली न होने की प्रायिकता पूछी है इसने, काली नहीं होगी तो लाल होगी या सफेद होगी, इसका मतलब या तो होगी 8 लाल या सफेद 5, तो कुल कितनी हो सकती हैं, 8 इस 8 में भी आ सकती है और इस 5 में भी आ सकती है, तो 8 5 13, तो 13 बटे
15 इसका आंसर है, ये भी सही है। इसी के अंदर अपन कुछ क्वेश्चन और बनाते हैं। ये 8 लाल गेंद हैं, 2 काली गेंद हैं, 5 सफेद हैं। इसमें ये पूछ लेता कि काली गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, काली कितनी है 2, तो 2/15 आ जाएगा, 2/15। अगर लाल गेंद होने की प्रायिकता पूछे तो 8/15, अगर सफेद होने की प्रायिकता पूछे तो 5/15। इसने पूछा कि काली नहीं होने की प्रायिकता, काली नहीं है तो लाल हो सकती है या सफेद हो सकती है, तो 8 और +5 13 13/15 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। 20 टिकटों जिन प्रक्रम से 1 2 3 4 ऐसे 20 लिखा हुआ है, पहली टिकट पर 1, फिर दूसरी टिकट पर 2, फिर तीसरी पर 3 और लास्ट वाली पर 20। इनमें से एक आदर्श रूप से एक टिकट निकाला जाता है। टिकट पर 5 के गुणज की संख्या होने की प्रायिकता बतानी है आपने, 5 का गुणज हो। पहले तो ये देखो कि इसकी कुल घटना कितनी होगी, 20 टिकट हैं तो 20 होगी। अब 1 से 20 तक 5 के गुणज के हैं, कौन कौन से हैं, 5 के गुणज जो 5 या 5 के गुणज हो, 5 हो गया, 5 के गुणज 10, 5 दूनी 10 होता है, और 5 3 15 हो गया, और 1 20। ये सारे 5 के गुणज हैं, 5 10 15 20, कितने हैं टोटल, ये हैं 4, तो 4/20 इसकी प्रायिकता है, 4/20। इसको हल कर लेंगे तो 1/5 5 तो ये भी सही है इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। एक लॉटरी में 4 पुरस्कार हैं, 16 खाली हैं, 4 तो पुरस्कार हैं और 16 खाली हैं, 1 पुरस्कार पाने की प्रायिकता टोटल कितनी हो गई, 4 और 16 20, टोटल घटनाएं होगी 20। अब वो पूछ रहे हैं पुरस्कार पाने की, पुरस्कार कितने हैं 4, तो अनुकूल स्थिति होगी 4, तो 4/20 इसका आंसर है। इसको हल कर लेंगे, 4 5 20, 1/5 आ जाएगा इसका आंसर डी, 1/5। इसी में अगर वो पूछता है कि खाली होने की प्रायिकता बताओ, तो यहाँ 4/20 की जगह क्या आ जाएगा, 16/20 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फेंक की प्रायिकता क्या होगी, एक पासे की फेंक में कुल घटनाएं तो आपको पता ही है कि 6 होती हैं, तो हार के अंदर तो 6 आएगा। कि 3 का गुणज होना चाहिए, तो 3 का गुणज क्या होता है, एक पासे में 3 हो गया, एक तो 1 3 2 6, तो कितने अनुकूल घटने बनती हैं, टोटल 2 घटने बनती है, 2/6 = 1/3 आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 डी आंसर सही है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर अपन। नेक्स्ट पेज पर ये क्या कहता है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, मालिनी बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती है, क्या इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी, संतरे की महक वाली हो। थोड़ा सा ध्यान दो कि थैले के अंदर तो नींबू की महक वाली पड़ी हैं गोलियां, थैले में नींबू की महक वाली पड़ी हैं, और आप चाह रहे हो कि उसमें संतरे की महक वाली निकले, अर्थात उसकी प्रायिकता पूछी है, तो संतरे की महक वाली कैसे निकल सकती है जब उसमें है नींबू की महक वाली, इसके लिए असंभव घटना है, असंभव, जिसकी प्रायिकता हमेशा ही क्या होती है, 0 होती है, 0, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 0। अब नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, और आप दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हो, नींबू की महक वाली हो तो 100% जो गोली आप निकालोगे वो नींबू की महक वाली होगी, तो एक ये एक निश्चित घटना है, ये निश्चित घटना है, नींबू की महक वाली है थैले के अंदर, नींबू की महक वाली ही गोली निकलेगी, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी ताश की गट्टी का ही क्वेश्चन है। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गट्टी है, इसमें एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को प्राप्त करने
कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन ये, लाल रंग का बादशाह हूँ। अब आपको मालूम है कि बादशाह कितने होते हैं गट्टी के अंदर, चार होते हैं, और लाल रंग के बादशाह ये होते हैं दो। तो दो अनुकूल स्थिति हो गई। अब कुल 52 पत्ते हैं तो कुल घटनाएं हो गई 52, तो 1/52 बराबर क्या हो जाएगा, 1/26, सो 2/52 बराबर, सॉरी, तो उसकी प्रायिकता हो गई 1/26। दो लाल रंग के पत्ते होते हैं बादशाह के, तो अनुकूल स्थिति होगी दो, और नीचे हर के अंदर 52 आएगा क्योंकि कुल स्थिति घटनाएं 52 होती हैं। तो 1/26 इसका आंसर है, प्रायिकता इसकी 1/26 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता, तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं 12, और अनुकूल स्थिति होगी 52, तो इसको अपने सरल कर लेंगे, 4 × 3 = 12, 13/52, 3/13, ये इसका आंसर है, प्रायिकता है। एक फेस कार्ड होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/13। अब अपन बात करते हैं इधर, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, टोटल 12 होते हैं, आपको पता है तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 12, जिसमें 6 काले रंग के होते हैं और 6 ही होंगे लाल रंग के, तो अनुकूल स्थिति कितनी हो गई, 6, हर में आ जाएगा 52, अनुकूल घटनाएं 52, 6/52 अर्थात 3/26, ये इसकी प्रायिकता आ गई, 6/52 सरल करेंगे तो 3/26। अब बात करते हैं पान का गुलाम होने की प्रायिकता, गुलाम के पत्ते होते हैं 4, ठीक है, 4, और पान का गुलाम केवल 1 पत्ता होता है, तो 1/52 ये प्रायिकता हो जाएगी पान के गुलाम की, क्योंकि गुलाम के 4 पत्ते होते हैं, एक चीड़ी का होता है, एक हुक्म का होता है, एक पान का होता है, एक ईंट का होता है, तो पान का गुलाम एक ही होता है, तो 1/52 इसका आंसर है। अब बात करते हैं हुक्म का पत्ता, हुक्म के पत्ते होते हैं 13, तेरह बटे आ जाएगा 52 बराबर 1/4 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। नेक्स्ट एक रह गया, एक ईंट की बेगम की प्रायिकता, बेगम के पत्ते होते हैं 4, तो ईंट की बेगम हो गई 1 पत्ता हो जाएगा, तो 1/52 इसका आंसर है, 1/52 इसका आंसर है, एक ईंट की बेगम होने का, क्योंकि बेगम के पत्ते होते हैं 4 और ईंट की बेगम 1 पत्ता होता है, तो 1/52 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इस तरह ये प्रायिकता आपकी कंप्लीट होती है। अगर ये आपने जितना मैंने करवाया है ये कर लिया, तो 4 नंबर आपके पक्के हैं प्रायिकता के।